हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन डूइंग गुड एंड वेल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट टीम। आई एम गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। थैंक यू सो मच। आगे भी मुझे आगे ऐसे सपोर्ट कर लीजिए। तो ठीक है, आज टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज एसक्यूएल। तो हम थोड़ा आगे पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक चीज पहले कवर कर लेंगे। एज ए बिगिनर स्टूडेंट इज गुड फॉर देम, बिकॉज हमको बेसिक चीज पता होगा तो हम आगे कंफ्यूज बिना होके भी हम आगे पढ़ सकते हैं अच्छा से। ठीक है, मैं व्हाट इज एसक्यूएल उसी का ऊपर एक नोट भी बनाया हूँ, आप लोग इसको सेव कर सकते हो। पीडीएफ दे दूंगा मैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छा होगा, बिगनर स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, आप एक नोट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। आपको सपोज नहीं वो कंफ्यूज हो रहा है कि स्ट्रक्चर फिर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी बताया था, प्रीवियसली वीडियो में बताया था, आप चेक कर लीजिए, फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर मीन्स हम एक डाटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेव करेंगे। दैट मीन्स एक कॉलम एंड एक फॉर्म के माध्यम से हम सेव करेंगे डाटा को, कॉलम एंड रो से सेव करेंगे, जो एक स्ट्रक्चर बन के रहेगा उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट डाटा फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। मीन्स डाटा किधर भी पड़ा हो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आकार नहीं है उसका कोई। ठीक है, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, थोड़ा स्ट्रक्चर हो, कुछ अनस्ट्रक्चर हो, उसको मिला के सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए, जो एसक्यूएल है वो एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। डाटा को उसका मीनिंग से डाटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहेगा, टेबल एंड फॉर्म के थ्रू रहेगा, एक टेबल के फॉर्म एंड कॉलम के थ्रू रहेगा, सॉरी। एंड याद रख लीजिए। और सेकंड पॉइंट है, एसक्यूएल इज ए डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। वो डेटाबेस को परफॉर्म करने के लिए, डेटाबेस को क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, एक्चुअली हम डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए एसक्यूएल हम आगे जाके यूज करेंगे। जो भी हम काम करेंगे एसक्यूएल में सब डेटाबेस ही रिलेटेड होगा, बाकी कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड नहीं होगा, सब डेटाबेस ही रिलेटेड होगा। ठीक है, कोई एप्लीकेशन डेवलप के टाइम पे भी लग सकता है, जो भी लग सकता है सब डाटा रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पाइथन एंड जावा प्रोग्रामिंग जैसा वो नहीं है, वो सब डाटा रिलेटेड, डाटाबेस रिलेटेड ही यूज होता है एसक्यूएल। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड मैनेज द डाटा इन, मॉडिफाई ऑल्सो डाटा इन RDBMS। इफ यू डोंट नो व्हाट इज RDBMS, डोंट गेट कंफ्यूज। RDBMS इधर बी होगा, सॉरी। इफ यू डोंट नो व्हाट इज RDBMS, डोंट गेट एनी कंफ्यूज। ओके, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे सब कुछ बताऊंगा, अभी फिलहाल उसके ऊपर ही कंफ्यूज कर फोकस कर लीजिए जो हम पढ़ रहे हैं। इट इज एसक्यूएल, इट इज यूज टू स्टोर मैनेज एंड मॉडिफाई डाटा इन RDBMS। तो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम डेटाबेस में, जो बताया था प्रीवियस वीडियो में डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकेंगे, मॉडिफिकेशन कर सकेंगे, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मीन्स हम चेंजेस कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, डाटा के साथ चेंजेस कर सकते हैं इन डेटाबेस। ओके, याद रहना कितना अच्छा अच्छा पॉइंट है, मैं बहुत सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको बिगिनर स्टूडेंट के लिए याद रहेगा, उन लोगों को सीखने को मिलेगा, अच्छा होगा। एंड एसक्यूएल ऑल्सो यूज टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा ऑपरेशन इन RDBMS। तो डाटा सेम पॉइंट है, वो भी डाटा रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है हम एग्जीक्यूट करेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज, विथ एसक्यूएल लैंग्वेज इन डेटाबेस, जो भी हम ऑपरेशन है हम परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू ही सब कुछ करेंगे। डाटा का जो चेंजेस होगा, अपडेट होगा, जो कुछ नया आएगा, जो पुराना है, जो रिनेम करना चाहते हैं, कुछ डाटा को रखना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम डेटाबेस रिलेटेड जो भी है सब हम एसक्यूएल कमांड के थ्रू ही करेंगे। आगे वो सिंटेक्स, जो भी सिंटेक्स है किसी के थ्रू हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है वो वीडियो में, व्हाट इज एसक्यूएल नोट बना दिया, आप लोग सीख लीजिए अच्छा से। वो सबसे बहुत इजी वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, बिगनर लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा, बिगनर स्टूडेंट के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।